चलिए आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर का और चैप्टर नंबर 1 है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग और उसका आज हम लोग लेक्चर 5 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में लेक्चर 4 तक हम लोगों ने हिस्टामिन के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं पहली दो चीज बात करेंगे एक हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में और दूसरी बात करेंगे हिस्टामिन के एंटी हिस्टामिन ड्रग के बारे में। सही है ठीक है। तो पहले बात करेंगे हिस्टामिन रिसेप्टर क्या। देखिए आपको पता है कि जो हिस्टामिन केमिकल है ऑटोकॉइट्स है वो बॉडी में रिलीज होगा तो वो एक्शन तभी दे पाएगा जब वो अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा और हिस्टामिन के रिसेप्टर भी हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अवेलेबल होते हैं उपस्थित होते हैं। ठीक है तो रिसेप्टर की बात अगर करें तो रिसेप्टर बेसिकली 4 रिसेप्टर होते हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर 4 होते हैं जिसको डिवाइड किया गया है H1 H2 S3 S4 और ये सारे किस टाइप रिसेप्टर होते हैं GPCR के। तो आपका एक जीपैट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि ऑल द हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स आर बेसिकली 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा GPCR एंजाइमेटिक है ना और जो भी तीन चार रहेगा तो आपको जो सही रिसेप्टर वो क्या है GPCR जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो 4 रिसेप्टर होते हैं H1 H2 S3 S4 हम ये जान लेते हैं कि ये चारों रिसेप्टर कहां कहां पाए जाते हैं। तो H1 रिसेप्टर पाया जाता है हमारे ब्रेन में GIT में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम CVS में और लिम्फेटोसाइट लिम्फोसाइट में यानी WBC में 4 जगह बेसिकली H1 रिसेप्टर पाए जाते हैं ब्रेन में GIT में CVS के लिम्फोसाइट में। H2 रिसेप्टर जो होते हैं वो मायोकार्डियल सेल में यानी हमारे हार्ट में और पैराइटल सेल यानी हमारे स्टमक में स्टमक आपको बताना पैराइटल सेल जो क्या निकालता है एसिड। तो जो H2 रिसेप्टर्स होते हैं ना ये जब हिस्टामिन यहाँ पे बाइंड करता है तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ जाता है पेट में एसिडिटी बढ़ने लगती है इसीलिए लोग H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट देते हैं एंटागोनिस्ट जो एसिडिटी को रोकने के जो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में साइबेटिडिन है कोमाटिडिन है रोटिडिन है राइटिडिन है। अब देखा होगा जो एसिलाग आता है ना एसिलाग ना वो होता है रैनिकिडिन वो इसी में आता है यानी क्या करता है वो पैराइटल सेल बाइंड करता है जब आपका हिस्टामिन पैराइटल सेल पे बाइंड करता है तो एसिलाग वो क्या करता है एसिड रिलीज करता है जिससे पेट में एसिडिटी होती है। तो हम लोग देते हैं एसिलॉग टेबलेट यानी रैनिकिडिन या विप्राजोल ये क्या करते हैं इस सेल को स्टेबलाइज करते हैं। तीसरा है H3 रिसेप्टर ये कहां कहां पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं CNS में और गैस्ट्रिक म्यूकोस यानी ये भी कहां पाए जाते हैं आपके स्टमक में और H4 रिसेप्टर है स्प्लीन में थाइमस में और कहां होता है आपके थाइमस सेल जैसे थायराइड बॉडी होती है उसमें टी सेल्स होते हैं टी सेल बी सेल। तो ये आपको ये याद करना है कि पहली पॉइंट आपको कुछ नहीं लिखना है GPCR इट इज टाइप ऑफ GPCR रिसेप्टर इट हैज 4 सब यूनिट्स और चारों का नाम लिख के H1 H2 H3 H4 ये लिखना है कहां पे ये पाए जाते हैं। अब हम जब हमको पता है हमको ये करना है कि हमको एंटी हिस्टामिन ड्रग मतलब क्या हुआ जो हिस्टामिन को रोके हिस्टामिन के बैड इफेक्ट को रोके। तो हिस्टामिन को जो क्लासिफिकेशन है उसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कैटेगरी वो ड्रग होते हैं जो हिस्टामिन को निकलने से ही रोकते हैं। भाई 2 तरीका है जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई आपके पास कोई आतंकवादी निकल रहा है और हमको मारने आ रहा है तो हम 2 तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। एक तो आतंकवादी जब निकले वही मार दो या जब आपके पास पहुंच जाए तो हम आपको मारने से पहले आप उसको मार दो समझ आ रहा ना। तो 2 तरीके से हम एंटी हिस्टामिन ड्रग दे सकते हैं। पहला होता है जो हिस्टामिन के रिलीज को इनहिबिट करता है दूसरा जो हिस्टामिन को रिसेप्टर से बाइंड होने से रोकता है निकल तो गया है लेकिन रिसेप्टर से बाइंड होने से रोकना है और तीसरा है जिसका डुअल नेचर है यानी ये या तो रिलीज को भी रोक सकता है और अगर निकल भी गया है तो बाइंड होने से भी रोकेगा दिस इज द डुअल एक्शन। तो क्लासिफिकेशन को हम 3 कैटेगरी बांट सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है ड्रग दैट इनहिबिट द हिस्टामिन रिलीज जो हिस्टामिन के रिलीज को रोकता है। 2 ड्रग है एक है खेलिन और दूसरा है क्रोमोलिन सोडियम ठीक है क्रोमोलिन सोडियम 2 ड्रग याद करिएगा खेलिन और क्रोमोलिन सोडियम ये आपको क्लासिफिकेशन याद करना है लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है जो हिस्टामिन के रिलीज को रोकता है खेलिन और क्रोमोलिन सोडियम। दूसरी बात करते हैं अब जो एक्शन किसका रोकेगा हिस्टामिन के रिलीज को यानी हिस्टामिन रिलीज एक्शन कैसे करेगा ये हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। तो H1 को ब्लॉक करने वाला अलग होगा H2 को ब्लॉक करने वाला अलग होगा H3 को ब्लॉक करने वाला अलग होगा और H4 को ब्लॉक करने वाला अलग होगा। तो पहले बात करेंगे जो H1 को एंटागोनिस्ट है जो H1 को ब्लॉक करेगा एंटागोनिस्ट क्या होते हैं ये जाकर रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे भर देंगे जिससे जाके हमारा ड्रग वहां पे हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाएगा। तो H1 एंटागोनिस्ट में 3 जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन आपको ऐसे लिखना है कि H1 एंटागोनिस्ट 3 जनरेशन है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से हैं अमीनो एल्किल ईथर डेरिवेटिव मैं बोल रहा हूं उसको सुन के लिखिएगा अगर आपको बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो। दूसरा एथाइलीन डाई एमीन डेरिवेटिव तीसरा है प्रोपाइल एमीन डेरिवेटिव चौथा है फिनोथायाजिन डेरिवेटिव
एंड लास्ट इज द पिपराजीन डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट जनरेशन की जो दवाइयां होती हैं उसमें एमिनो एल्किलीथर है, एथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव है, प्रोपिल एमीन डेरिवेटिव है, फिनोथायाजीन डेरिवेटिव और पिपराजीन डेरिवेटिव। हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन ड्रग की, तो सेकंड जनरेशन ड्रग की बात करें तो इसमें टर्मिना आपका है टर्फेनाडीन, पहला है टर्फेनाडीन, दूसरा है फेक्सोफेनाडीन और तीसरा सेट्रिजिन। सेट्रिजिन बहुत कॉमन दवा है, आप जानते हैं आपने खाया है, टर्मिनाफिन भी बहुत, फेक्सोफेनाडीन भी बहुत सी कॉमन दवा है और ये टर्मिनाफिन के नाम से आती है, टर्फेनाडीन भी बहुत सी कॉमन दवा है। तो सेट्रिजिन, फेक्सोफेनाडीन और टर्फेनाडीन जो है तीनों किसकी है सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आ जाओ तो एक है एक्रीवेस्टिन और दूसरा है लोराटिडीन, ठीक है, लोराटिडीन और एक्रीवेस्टिन, क्लियर बोलिएगा, एक्रीवेस्टिन और लोराटिडीन, ये किसका है हमारे थर्ड जनरेशन में। ये हो गए वो ड्रग जो H1 को ब्लॉक करते हैं। अब सेकंड है B जो H2 को ब्लॉक करते हैं, यानी H2 एंटागोनिस्ट। ये क्लासिफिकेशन आपको लिखना है और दो तीन बार याद करना, याद हो जाएगा। इसमें चार ड्रग है, साइमेटिडीन, फोमेटिडीन, रेनिटिडीन और निजाटिडीन। ये बताया रेनिटिडीन क्या है, जो मार्केट में एसीलाब के नाम से बिकता है। तो आपको फिर से साइमेटिडीन, फोमेटिडीन, रेनिटिडीन और निजाटिडीन, ठीक है, ये आपको क्या है आपको किसी भी तरह से ट्रिक बना के याद करना है। जैसे याद करना चाहो याद कर लो कि सायमा रानी बहुत है ना, निजामुद्दीन बहुत फेमस है, कुछ भी करके आप जैसे भी याद करना हो कर लीजिएगा। साइमेटिडीन, रेनिटिडीन, फोमेटिडीन, निजामुद्दीन, ठीक है, आप ट्रिक बना लीजिएगा। एसपी एंटागोनिस्ट की बात करें जो H3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है वो है थायोपेरामाइड। एक ही ड्रग है, क्या है, थायोपेरामाइड। एंड द लास्ट वन H4 एंटागोनिस्ट जो H4 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा इस वाले को, यानी स्प्लीन, थायमस और टीसेल में, वो है डॉक्सेपिन और क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है, क्या है, क्लोरप्रोमाजिन। ये बहुत फेमस दवा है, सीपीएम के नाम से बिकता है क्लोरप्रोमाजिन। तो ये डॉक्सेपिन और क्लोरप्रोमाजिन होगा। अब आते हैं जिसका डुअल नेचर है, जो इनहिबिट रिकवरी को भी रोकेगा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगा, वो दो ड्रग है, एक है एजीहिस्टिन और दूसरा है ओलेपाडीन, ठीक है, ये आपका होता है ओलेपाटिडीन। आई रिपीट अगेन, एजीहिस्टिन और ओलेपाटिडीन, ये हमारे दो कैटेगरी के ड्रग हो गए। एक ड्रग कहीं और दिख सकता है, नंबर चार है, यह है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, यानी जो आपका, आपको पता है कि हिस्टामिन कहां से निकलता है, मास्ट सेल से। अगर हम मास्ट सेल से हिस्टामिन को निकालने से रोक दें, मास्ट सेल को स्टेबलाइज होने से रोक, स्टेबलाइज कर दें ताकि दवाना ड्रग ना निकले, तो इसमें भी दो बहुत फेमस दवाइयां आती हैं, एक होती है जफ्रेलुकोस्ट और दूसरा होता है मोंटेलुकोस्ट। आजकल बहुत अच्छा चल रहा है सीजन इसी का, सर्दी जुकाम का, तो जफ्रेलुकोस्ट और मोंटेलुकोस्ट दवाइयां भी क्या होते हैं इसमें दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है किसका, हमारे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का। और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत बार पूछा गया, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ इसका पूछा गया कि H1 एंटागोनिस्ट ड्रग के नाम बताइए, तो ये आपको क्या लगता है याद करना है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन आपको याद हो जाएगा तो कुछ नहीं। अब क्या करना है, जो सिलेबस में ड्रग है इनमें से उन ड्रग्स का सार और सिंथेसिस हमको पढ़ना रहेगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना रहेगा और हमारा काम हो जाएगा। ये रहा क्लास आपका, इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ साइड में, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।